अपना काम, वो बहुत बड़ी बात होती है। तक मर जावे, पंखे पे लटक जावे कि माँ बाप ने कुछ कह दिया, घर पर चलने काम कर रहे नहीं, बहुत एक आप इंस्पिरेशन हो सब लोगों के लिए। बच्चे हम बच्चों को परेशान नहीं करते। हाँ, आप जैसे बच्चे बहुत से बार कट जावे कि भाई फेल हो गए। हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, दिस इज शुभम गर्ग एंड यू आर वाचिंग लाइफ इज शॉर्ट। आई होप यू आर डूइंग गुड, और अगर आप अच्छे नहीं है तो अच्छे हो जाओगे क्योंकि आप जुड़ चुके हो मेरे साथ। पीछे भी लाइट, यहाँ भी लाइट, स्ट्रीट ऐसी पकड़ी मैंने जहाँ पे लाइट ही लाइट। थोड़ा चंपूसा हो रहा हूँ क्योंकि आज मैंने ऑयलिंग की है, बट कोई बात नहीं, व्लॉगिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे तुम होते हो वैसे तुम्हें प्रिटेंड करना होता है। इसको मैं बुझा दूँ क्या? टक, अरे सही में बुझ गई। सो व्लॉगिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, जहाँ पे तुम जैसे एक्चुअल में होते हो वैसे तुम्हें दिखाना पड़ता है, तो वैसे ही मैं दिखा रहा हूँ। ये पार्ट मैं शाम को शूट कर रहा हूँ, रात को इस टाइम शूट कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने एक्चुअल वीडियो का पार्ट है बीच में इवनिंग में शूट कर चुका था। तो इस वीडियो में क्या होने जाने वाला है, पहले मैं तुम लोगों को ऐसे दो इंसानों से मिलाऊंगा जिन्होंने इतने टाइम में भी हार नहीं मानी है, जो आज भी मेहनत करते हैं। मतलब सर्दी गर्मी कैसा भी मौसम हो, लेकिन उन लोगों ने अपनी जो इनकम सोर्स ऑफ इनकम है वो एक उनकी छोटी सी दुकान है, किस तरीके से वो मेहनत करते हैं, कितने टाइम से वो मेहनत करते आ रहे हैं उसी एक जगह पे। और दूसरे हैं घूम घूम के गलियों में, हरिद्वार की ज्वालापुर की गलियों में घूम घूम के चाट बेचते हैं। ये वीडियो होने जाने वाली है ऐसी इंस्पिरेशन वीडियो फॉर यू ऑल, जो मतलब सोचते हैं हम लोग या तो कुछ नहीं कर सकते या फिर ऐसा कुछ, जो अपने अपनी चीज़ों को बहुत डिस्टर्बली लेते हैं, जो बहुत चीज़ों से निराश हो जाते हैं। बहुत यूथ ऐसा है आज के टाइम में जो थोड़ी सी दिक्कतें आए उससे निराश हो जाते हैं, लेकिन ये लोग आज भी इस डिसेबिलिटी में मेहनत कर रहे हैं। एक तो अंकल, मतलब उनकी एक पाँव में चोट है, वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं। ये बेसिकली एक बहुत ही मतलब इंस्पिरेशन वीडियो, ऐसे कोई बेसिकली कोई कैमरे के सामने नहीं आता है, लेकिन मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि वो कैमरे के सामने आए, मेरे को बात बताए। मैंने उन लोगों को बोला था कि मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, कि मैं अपने दोस्तों को, अपने व्यूवर्स को जो मेरे को देखते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि लाइफ के इस स्टेज पे भी आप लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही है, तो कोई भी किसी भी तरीके से चीज़ें छोटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी लाइफ में हर टाइम पे, हर एक मिनट में तुम लोगों को मिलती रहती है, लेकिन मेन क्या है, मेन है उसको आइडेंटिफाई करना। किस तरीके से तुम्हें आइडेंटिफाई करना है इस वीडियो में तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा। ये वाली वीडियो, ये वाला व्लॉग कम वीडियो ज़्यादा होने वाली है, लेकिन ये सच में बहुत ज़रूरी वीडियो है तुम लोगों के लिए। एक छोटा सा तुम लोगों का एफर्ट्स जाता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर ये कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल पे। 62% ऐसे लोग हैं जो चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। और अब तुरंत चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं। तो अंकल जी ने अपना आधार कार्ड भी दिखाया जिसमें इनकी उम्र 72 साल की है, तो इस उम्र में भी इतना ज़्यादा मेहनत होना, मेहनती होना अंकल जी के लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे आजकल के नौजवान ना, मतलब मैं अपनी ही बात करूँ, आजकल में हिम्मत तोड़ देते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, और ये इन लोगों का ये ऐसे ही बने हुए हैं इतने टाइम से। बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे होंगे, लेकिन उसके बाद भी इतना अच्छा सेटअप और अपना काम, वो बहुत बड़ी बात होती है। हमारा ये है बेटा, जब तक घाट पर चल रहे हैं काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत बड़ी बात है अंकल जी, देखो क्या रहता है ना, बच्चे हम बच्चों को परेशान नहीं करते। हाँ हाँ हाँ, हमारे आप जैसे बच्चे हैं ना, हाँ हम बच्चों को परेशान नहीं करते। नहीं, वैसे उनको इतना सोचना चाहिए कि भाई आप परेशान हो रहे हो उस टाइम। देखो ये परेशानी की तो बात है, ये इस टाइम आपकी टाइम है कि भाई रजाई में बैठो, मूँगफली खाओ, है नहीं? लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नहीं, आप फिर रजाई में बैठोगे तो फिर हमें इतनी अच्छी चाट कहाँ से मिलेगी, है नहीं? लोन के लिए आपका आधार कार्ड है तो मतलब बहुत बड़ी बात है। हरिद्वार के अंदर ही है, ज्वालापुर एरिया में अंकल चाट बैठते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, गोलगप्पे से लेके सब कुछ, और सब कुछ हैंडमेड, मतलब अंकल घर ही बनाते होंगे सब, चटनी वटनी सब। हाँ, तो वो हैंडमेड और प्योर बिल्कुल एकदम से ना। हमारा बेटा रिपोर्टर कहाँ चला गया? नहीं नहीं, वो उधर बाइक अंकल जी मुझे भी खिलाओ बढ़िया सा ना कुछ, मुझे भी खिला दो, दही दही के खिला दो, दही के गोलगप्पे। बेटा
बस बस बस, थैंक यू अंकल। ये ऐसा कुछ पत्ता होता है अंकल जी का, इसमें सब कुछ फ्रेश फ्रेश नज़र आ रहा है मेरे को अभी से, तो उसको चेक करके बताते हैं कि हाँ कैसा है। इतना ज़्यादा टेस्टी है ना, तो मैं नीचे से निकालने वाला हूँ इसमें से, इसमें कुछ नहीं बचा है, उसके बाद भी मैं खाया जा रहा हूँ, इतना सच में इतना ज़्यादा टेस्टी। अंकल कितने का पत्ता है ये? 15 रुपये का। इतना इतना टेस्टी, मतलब आई कांट इवन बिलीव और आई कांट इवन एक्सप्लेन टू यू कि कितना ज़्यादा टेस्टी। अंकल जी को थोड़ी चोट भी लगी हुई है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी दुकान लगाई हुई है अंकल जी ने, और पूरे 4 साल लगाते हुए हो गए। मतलब तुम ये बहुत से बालक ये रहते हैं ना अंकल जी, कुछ दिक्कत हो जाती है, कुछ परेशान हो गए, मतलब एक आप इंस्पिरेशन हो सब लोगों के लिए। बहुत से बालक कट जावे कि भाई फेल हो गए, बहुत से बालक मर जावे पंखे पर लटक जावे कि माँ बाप ने कुछ कह दिया है ना, या फिर बहुत से बालक ये कहवे कि भाई हमारे तो हाथ पैर नहीं चलते, कुछ नहीं हो रहा हमसे। लेकिन आपको चोट लगी हुई भी अंकल की रोड हो रखी है, अंकल को चोट लगी थी, एक्टिवा से अंकल वो करते हैं, एक्टिवा से आते होंगे आप, एक्टिवा से ही आके दुकान लगाते हैं। और ये देखो प्यारी सी दुकान है अंकल जी की, एक दो बार इधर से गया था तो मैं सोच रहा था अंकल जी से ज़रूर बात करूँगा, एक दो बार पहले भी आया मैं आपके पास। अंकल जी ये मैं YouTube पे डालूँगा आपके आपका, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो ठीक है। अच्छा चोट कितना टाइम हो गया आपको चोट लगे हुए? 7 साल हो गए। 7 साल? पहले कुछ और करते थे क्या? पहले पुताई का, तो ऐसे काम पे करते हुए लगी थी क्या? बाग में गए थे। मतलब रीढ़ की हड्डी में चोट आई हुई थी, पीछे कमर में नस दब गई थी उससे, मतलब बस फिर उसके बाद में चल फिर वो दिक्कत ही हो गई है। लेकिन कम, बहुत कम। हाँ अच्छा, घर में बच्चे बच्चे सब बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे? खुले हैं बंद। तो बताओ 3 बच्चे हैं, उनका लालन पोषण करना, और ठंड के अब देखो ठंड का टाइम है, सुबह शाम कितने बजे खोल लेते हो अंकल जी? 9 बजे आते हो? अच्छा अच्छा, 9 बजे से रात को 9 बजे जाते होंगे। अच्छा सर, सुबह मतलब 5-6 बजे के करीब, 6 बजे। तो अंकल जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, और मेरा मन हुआ एकदम कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूं अंकल के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, चीज़ें बहुत उल्ट पुलट हो जाती है, हिम्मत तोड़ देते हैं, लेकिन अंकल ने फिर भी ये प्यारी सी दुकान लगाई भी। आत्महत्या ना करे, वो आपके साथ साथ आपके परिवार को भी ख़त्म कर देती है।